बरेली में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने सुबह से नजरबंद कर रखा है ताकि वो संभल नहीं जा सके। सुबह से जिलाध्यक्ष के घर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव के द्वारा बनाई गई कमेटी में शामिल है। उन्हें संभल जाकर पार्टी के लिए एक रिपोर्ट देनी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा नजरबंद करने के बाद उनका जाना संभल मुश्किल लग रहा है, लेकिन सपा नेताओं के साथ वो जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोने पे जाएगी, ये लोग इतना अत्याचार जनता के साथ कर रहे हैं, ये बात मीडिया के सम्मानित साथ ही दिखा सकते हैं और दिखाते हैं। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है आपने? अभी आपके सामने हमने बुला के बात की, भाई हमें घर में क्यों पाबंद किया गया है? हम तो पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, संविधान दिवस का कार्यक्रम लगा हुआ है उसमें जा रहे हैं, तो जानकारी मिली है कि उसमें भी जाने में मना कर रहे हैं, तो भाई पार्टी कार्यालय तो हम जाएंगे। अगर उन्हें रोका तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? हम तो जाने का प्रयास करेंगे, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करें हम। भाई संविधान दिवस ही नहीं मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम कोई संभल थोड़ी जा रहे हैं, क्या संभल के लिए हमारे पास कोई आदेश आया? अगली रणनीति क्या है आपकी? अगली रणनीति हम लोग बैठ के आपस में तय करेंगे, जैसा हमारे नेतागण कहेंगे वैसा काम। आज कितनी देर में निकलेंगे आप यहाँ से? हम यहाँ 11:30 बजे निकले।